भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत दर्ज की थी और 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। लेकिन संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जो स्क्वाड में शामिल थे लेकिन एक भी मुकाबला उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इस पर संजू सैमसन क्या सोचते हैं, उनसे टीम मैनेजमेंट ने क्या कहा था, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा था, इस पर एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने बड़ी बात कही है। संजू सैमसन ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं फाइनल खेलूं लेकिन मुझे फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला और मेरे पास चांस था फाइनल खेलने का और मुझसे बोला गया था कि तुम्हें रेडी रहना होगा और मैं तैयार भी था, लेकिन टॉस से कुछ समय पहले फैसला किया गया कि हम फाइनल मुकाबले में सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, हम फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करेंगे। ये टॉस से कुछ समय पहले तक तय किया गया था जबकि कहा जा रहा था कि मैं खेलूंगा। ये संजू सैमसन ने बातें कही हैं, मुझसे कहा गया था कि मैं तैयार रहूं फाइनल के लिए। और आगे संजू सैमसन कहते हैं कि जब मैं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो रोहित शर्मा आते थे और उन्होंने अपने डिसीजन के बारे में एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने मुझसे कहा तुम तो समझ ही रहे होगे, आप समझ रहे होगे कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा, और उस कॉम्बिनेशन में संजू सैमसन फिट नहीं बैठ रहे थे। और संजू सैमसन ने कहा कि मेरा फोकस था कि मैच जीते टीम, मेरा जो संजू सैमसन ने कहा मेरा मेन फोकस था कि हम लोग मैच जीतें और टीम में कोई खेले कोई बाहर बैठे, मेन मकसद मैच जीतने का होना चाहिए। ये बात मेरी रोहित शर्मा के साथ हुई और रोहित शर्मा ने इसके बाद भी उन्होंने बोला कि मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर आप मुझे कोस रहे होगे, ये बात रोहित शर्मा ने कही संजू सैमसन से, क्योंकि रोहित को पता था कि संजू को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है इसलिए मन ही मन वो निराश होंगे। तो रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे पता है आप मुझे मन ही मन कोस रहे होंगे और लेकिन संजू सैमसन ने कहा तो मैंने उनसे रिप्लाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक प्लेयर के रूप में मैं खेलना चाहता हूँ, खिलाड़ी हूँ तो खेलने का मौका तो मुझे चाहिए ही और आपकी कप्तानी में मेरा खेलने का मन भी था और मेरा ऐसे मोमेंट्स में खेलने का सपना था, फाइनल जैसे मुकाबले खेलने का मेरा ड्रीम था कि मैं फाइनल जैसे मुकाबले खेलूं और वहां पर परफॉर्म करूं। ये बात संजू सैमसन ने कही लेकिन फिर रोहित शर्मा ने अपना फैसला जो था कि फाइनल में वो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, ये फैसला उन्होंने एक्सप्लेन किया संजू सैमसन के सामने और अपनी मजबूरी भी बताई क्यों संजू सैमसन की जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रही है, ये बात रोहित शर्मा ने बताई। और फिर संजू सैमसन भी कन्विंस हो गए और उन्होंने भी बोला कि मैं आपके जो फैसले हैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं और लेकिन मैं चूंकि वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पा रहा हूं, ये थोड़ा जब मैंने सुना तो मुझे निराशा हुई लेकिन अल्टीमेटली टीम ने मैच जीता तो इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो ही नहीं सकती। ये बातें संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के एक इंटरव्यू में बताई हैं। आप संजू सैमसन को ना खिलाए जाने के फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।